हेलो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक नया चैप्टर जो है कार्बन एंड एड्स कंपाउंड्स सो कार्बन इज एन एलिमेंट ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस फूड क्लोथ्स मेडिसिन बुक्स और मेनी थिंग्स आर बेस्ड ऑन कार्बन ऑल living structures are carbon based the earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals and atmosphere has 0.03% carbon

कार्बन्स का जो प्रेजेंस है जैसे फूड्स क्लोथ्स मेडिसिन बुक्स हर जगह इसका प्रेजेंस है ओके okay. ये सब कार्बोन बेस्ड होता है ऑल लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो भी कार्बन बेस्ड होता है तो so आर्थ में कार्बन का जो अमाउंट है बहुत क्रास्ट में बहुत लो होता है और एटमोसफियर में भी बहुत लो होता है

लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है एज़ कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड जिसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है दिस फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है जो आयनिक के केस में आयनिक कंपाउंड के केस में ये जो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन बहुत हाई होता है ओके okay? बहुत स्ट्रांग uh, होता है एक्चुअली जो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन सो उसी उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है दिस कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके सो ये जो है कार्बन कॉम्पाउंड्स आर नॉन कॉन्डक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बॉन्डिंग इन दिस कॉम्पाउंड्स डज नॉट गिवस राइस टू एनी आयन्स सो आयनिक कम्पाउंड के केस में आयन्स बनता है सो उसी वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कॉन्डक्टर होता है बट इसमें कोई आयन्स नहीं बनता जो कार्बन कंपाउंड्स के केस में सो ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कॉन्डक्टर नहीं है

दिस बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आयनिंग कंपाउंड कैसे करता है जो आय बनता है वो आयदर इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके कार्बन हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेट नीड्स टू गेन और लूज फोर इलेक्ट्रॉन्स टू एटेन नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन ओके सो कार्बन का जो है आउटर मोर्स्ट सेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होता है क्योंकि वो होता है सिक्स सो फर्स्ट सेल में होता है टू और सेकेंड सेल में होता है फोर सो इट कुड गेट फोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग कार्बन माइनस कार्बन फोर माइनस एनायस अगर फोर इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है तो उसका आउटर शेल में एट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये कार्बन फोर माइनस एनाइन बन जाएगा बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद सिक्स प्रोटॉन्स टू होल्ड टेन इलेक्ट्रॉन्स अभी अगर कार्बन का जो सिक्स इलेक्ट्रॉन है ओके टोटल आउटर शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स है और ये इनर शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स है अगर ये छः चार और इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका आउटर शेल में हो जाएगा एट इलेक्ट्रॉन्स और इनर शेल में टू इलेक्ट्रॉन टोटल टेन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो सिक्स है सो सिक्स प्रोटॉन्स को टेन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा ओके सो ये बनना थोड़ा डिफिकल्ट है कार्बन फोर माइनस आयस इट कूड लूज फोर इलेक्ट्रॉन्स अभी जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो ऐसा बन सकता था लेकिन ये डिफिकल्ट है अगर ये फोर इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है जो आउटर सेल में इसका फोर इलेक्ट्रॉन्स होता है ओके इट कूड लूज फोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग कार्बन फोर प्लस कैटायन ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है ओके okay. अगर फोर इलेक्ट्रॉन लूज करता है बट इट वुड रिक्वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकिन चार इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल से निकालने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत है ओके सो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ एटम्स ऑफ कार्बन ओके विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स सो कार्बन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है ये शेयर करता है इट्स इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो इसका चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटर में ओके ये इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन का ही दूसरे एटम के साथ या कोई अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है लेटेस्ट लुक एट सिंपल मोलिक्यूल्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी और भी मोलिकुल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्डिंग होता है या बॉन्ड बनता है वो कुछ और भी मॉलिकुल्स में देखा गया है देखा जाता है तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे लेट्रॉन्स कंसीडर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैज एटोमिक नंबर वन सो हाइड्रोजन ये है हाइड्रोजन इसका न, ये आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ओके okay? सो so, ये दो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है सो उसका आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है अभी ये दो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का जो ये दो एटम्स है दो एटम्स में ये दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन जो है जो नियरेस्ट नोबेल गैस है वो है हीलियम तो हीलियम का कॉन्फिगरेशन है आउटर है शेल में दो इलेक्ट्रॉन सो so, उसको अटेंड करने के लिए उसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को ओके और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैसे बनेगा सो टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2. टू तो ये कैसे होगा इसको अगर नोबेल गैस का कॉन्फिगरेशन बनाना है तो कैसे होगा क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशियशी है तो अगर ये दो एटम एक साथ बॉन्ड करके अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है मतलब एस टू तो इसमें क्या होगा ओके ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करके ये ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया ये एक इलेक्ट्रॉन ये एटम से आया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम से आया तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है अभी दो इलेक्ट्रॉन को ये दोनों एटम इसी सी यूज करेगा ओके सो अगर ये ये जो हाइड्रोजन एटम है अभी इसका ये हो गया सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इसका अभी आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन गया और इस इस एटम का भी आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये भी इसको भी नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया ओके सो ऐसे ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन को जो ये इस एक इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन आया इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन आया सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये दोनों हाइड्रोजन एटम यूज करेगा या इसकी वजह से ये शेयर कर रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन को ओके तो ये एक तरह का बैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है सो so, इसी की वजह से इनको नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा सो टू हाइड्रोजन आइटम्स शेयर दियर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एच टू सो ये है H2 टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐटम्स एटेंस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबेल गैस अभी ये जो हाइड्रोजन ऐटम है इसका मिल गया ये क्योंकि ये ये इसका ये ये दो इलेक्ट्रॉन को ये यूज कर सकता है ओके okay? इसका पास अभी ये दो इलेक्ट्रॉन हो गया इस हाइड्रोजन का एटम का और इस हाइड्रोजन का भी अभी दो इलेक्ट्रॉन हो गया ओके okay? ये दो इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन इसका पहले से ही खुद से ऑलरेडी था और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन से इस दूसरे हाइड्रोजन एटम से है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों हाइड्रोजन एटम यूज कर सकते हैं और इनको नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो मिल गया जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबेल गैस है हीलियम ओके द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसी के वजह से हम बोल सकते हैं ये जो दो एटम्स के बीच एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया ओके सो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि ये अभी ये सिंगल बॉन्ड है ओके okay, सो so ये रिप्रेजेंट करता है दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन जैसे यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऐसे बॉन्ड बन गया ऐसे ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई ए लाइन बिटवीन द टू एटम्स अभी और भी कुछ एटम्स देखते हैं जैसे ये क्लोरीन क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है क्लोरिक का आउटर सेल में होता है सेवन इलेक्ट्रॉन तो सेवन बैलेंस इलेक्ट्रॉन ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके तो उसका भी क्या है उसका नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ नोबेल गज का जो कॉन्फिगरेशन होगा वो आर्गन का होगा या एट्टीन होगा एट्टीन है उसका एटॉमिक नंबर और आउटर शेल में होगा एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके सो उसका जो पहले दो शेल है उसमें होगा टू और एट टू एट एंड सेवन क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है सेवनटीन और आउटर शेल में एट चाहिए एट चाहिए तो एट होने के लिए उसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ओके इस क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको भी और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एट हो जाएगा तो ये नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा सो ये कैसे होगा अगर दो क्लोरीन का एटम ऐसे बॉन्ड बना दिया ओके सो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया ओके सो अभी इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन आएगा सो so, ये एक इलेक्ट्रॉन आया इससे और दूसरा इलेक्ट्रॉन आया इससे सो so, ये अभी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया तो so, ये ये दो इलेक्ट्रॉन को अभी ये भी ले सकता है या ये भी ले सकता है ओके okay. सो so, अभी इसका कितना हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो इस क्लोरीन एटम का भी अभी आउटर शेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो गया और इस क्लोरीन एटम का भी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ सो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग की वजह से इसको भी नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल गया सो इसी तरह बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल जो इसका सिंबल है क्लोरीन मॉलिक्यूल का सी एल टू तो इसमें दो इलेक्ट क्लोरीन के एटम के बीच कोवेलेंट बन गया कोवेलन बॉन्ड बन गया ओके सो ये सिंगल बॉन्ड है जैसे हाइड्रोजन के केस में हुआ था इसी तरह क्लोरीन के बीच में भी ये सिंगल बॉन्ड बनेगा Cl और ये Cl ओके okay? ये सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स अभी ये है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के केस में क्या है ऑक्सीजन का आउटर शेल में छे इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीजन नंबर एट है तो टू सिक्स तो को क्या चाहिए नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फिगरेशन में जो है नियोन उसका आउटर सेल में है एट इलेक्ट्रॉन्स ओके सो ऑक्सीजन को और दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्सीजन के एटम को सो ये क्या करेगा और एक और दूसरा एटम के साथ बॉन्ड करेगा दो ऑक्सीजन का एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगा जो ऐसे होगा ओके सो so इसका तो ऑलरेडी छे है इसका छ है तो ये तो इस एटम से ये दो इलेक्ट्रॉन ये एक वन टू ये जो दो इलेक्ट्रॉन ओके ये वन टू और इस ऑक्सीजन एटम से दो इलेक्ट्रॉन ओके सो so अब ये इलेक्ट्रॉन्स चार इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेयरिंग हो गया इस इस एटम से दो इलेक्ट्रॉन इस एटम से दो इलेक्ट्रॉन सो so, ये डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड हुआ था ओके okay, जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन के केस में सिंगल बॉन्ड हुआ था अभी क्या है इस एटम से दो इलेक्ट्रॉन इस एटम से दो इलेक्ट्रॉन सो so, अभी यहाँ से जो चार इलेक्ट्रॉन्स है इस चार इलेक्ट्रॉन्स को ये एटम भी यूज करेगा ये एटम भी यूज करेगा अभी हम कैसे देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबेल गैस का होता है कि नहीं तो पहले ऑलरेडी ये एक दो तीन चार था तो यहाँ से एक दो तीन चार तो चार और चार आठ हो गया तो इस एटम्स का भी इलेक्ट्रॉनिक नोबेल गैस का इले, इलेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मिल गया ओके क्योंकि ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन एटम भी अभी यूज कर सकता है और इस चार इस ये चार इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन एटम भी यूज कर सकते तो इसका अभी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये हो गया अभी ये के केस में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हो गया तो ये चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गया ओके सो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन्स हैं सो इसमें ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन के जो दो एटम के बीच जो बॉन्डिंग होगा ये डबल बॉन्ड होगा सो so, इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो इस तरह से बॉन्डिंग होगा तो ये है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा ओके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है अभी नाइट्रोजन के केस में क्या हो गया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है सेवन सो इनर शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स तो नाइट्रोजन को क्या चाहिए और भी तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए जो नियरेस्ट नोवेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए ओके okay, तो इसको ये कैसे मिलेगा अगर दो नाइट्रोजन एटम ऐसे बॉन्डिंग करेगा ओके सो नाइट्रोजन का एक दो तीन चार पाँच नाइट्रोजन का एक दो तीन चार पाँच सो so ऐसे दो नाइट्रोजन एटम्स अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्डिंग करता है तो अभी क्या होगा इस नाइट्रोजन एटम का एक दो पहले ही था अभी एक तीन चार पाँच छ सात आठ तो इस नाइट्रोजन एटम का आठ इलेक्ट्रॉन हो गया नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया और इस नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन एटम का एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो ये दोनों नाइट्रोजन एटम को नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन मिल गया इसमें से ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये जो छह इलेक्ट्रॉन है छह इलेक्ट्रॉन सारे सारे ये यूज करेंगे ओके okay. सो so, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाता है ओके okay, जैसे ये ये तो सेम टाइप का हो गया। अगर डिफरेंट टाइप्स का एटम हुआ जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच नाइट्रोजन के आउटर शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्डिंग करेगा तो हाइड्रोजन का आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये नाइट्रोजन का जो तीन इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का मतलब तीन हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा ओके तो इसी तरह ये जो नाइट्रोजन का ये दो इलेक्ट्रॉन है ये दो इलेक्ट्रॉन ये जो तीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है ये ईच इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड करेगा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड करेगा ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड होगा और इसी तरह नाइट्रोजन को भी अभी शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करने से तीन हाइड्रोजन ऐटम के साथ ओके तो इसको भी अभी नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फिग्रेशन मिल गया जैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ एटम्स का कॉन नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फिग्रेशन इसको मिल गया नाइट्रोजन को जो आठ है आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी हाउट हाइड्रोजन को कितना चाहिए टू इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सो ये नाइट्रोजन का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल के इसको ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ओके सो ये हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन मिल गया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस हाइड्रोजन को भी दो इलेक्ट्रॉन मिल गया ये एक और ये एक नाइट्रोजन से भी मिल गया ओके okay. और ये इस हाइड्रोजन एटम को भी दो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन मिल गया आउटर शेल में और नाइट्रोजन को एट इलेक्ट्रॉन मिल गया आउटर शेल में सो नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल गया इसी तरह कार्बन्स कंपाउंड में भी बॉन्डिंग होता है वो हम डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये कुछ और है तरह का होता है कार्बन okay, कंपाउंड so है लेटस नाउ लुक एट द मीथेन व्हिच इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन मीथेन इज यूज एज फ्यूल एंड इज ए मेजर कंपाउंड कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सो मीथेन हैज फॉर्मड फॉर्मूला सी एच फोर सो मीथेन का क्या है मीथेन है कार्बन कंपाउंड, इसमें कैसे कोवल बॉन्ड होता है ओके okay. ये कार्बन है कार्बन का आउटर शेल में चार इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एक एक ओके अब ये चार इलेक्ट्रॉन के साथ चार हाइड्रोजन एटम्स इंडिविजुअली हर इलेक्ट्रॉन के साथ चार अलग अलग हाइड्रोजन एटम बॉन्ड करेगा ओके तो इसी तरह कार्बन को कैसे अभी ये हाइड्रोजन एटम का ये एक, 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 एक इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन एटम का इस ये इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन के साथ ये कार्बन का जो चार इलेक्ट्रॉन है चार हाइड्रोजन एटम के साथ ये शेयर करेगा ओके सो ये चार बॉन्ड बनेगा चार कोवेलन बॉन्ड अभी तो इसी इसी की वजह से हाँ, चार हाइड्रोजन के साथ शेयर करने से इस कार्बन एटम को आउटर शेल में अभी आठ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल गया क्योंकि अभी इसका आउटर शेल में होगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल गया और हाइड्रोजन को भी हर एक हाइड्रोजन को जो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर सेल में उसको भी ये मिल गया तो इसी तरह कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन थैंक यू